Boy, he's top. गुड आफ्टरनून गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं चार चौक से और आज हम जा रहे हैं सटादार जो है थुनाग से 20 किलोमीटर आगे की तरफ। और आज हमारे साथ है आरएस और दो आरएस है हमारे साथ और एक एमटी है। चलो गाइज निकलते हैं अभी यहाँ से। तो गाइज अभी मेरे साथ धोखा हो चुका है, हम मंडी से यहाँ तक पहुँच गए हैं करीब 50 किलोमीटर और मेरा माइक ही ऑन नहीं था, तो मुझे नहीं पता मैं डालूंगा वो वीडियो की नहीं डालूंगा। अभी यहाँ से करते हैं शुरुआत वीडियो की। सो गाइज अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम, गलियाड़ी है ये वाली जगह और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे और वीडियो आपको पता है बननी नहीं है, उसमें वॉइस ओवर मैं करूँगा नहीं, मुझे नहीं पता। देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। अराउंड 1 आवर हो गया हमें चैल चौक से निकले हुए। ओ भाई यहाँ पे तो बहुत गंदा लैंडस्लाइड हुआ है, आप देखो तो ये पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे आ गया है। तो ये रहा कांडा, तो अभी यहाँ से हम राइट टर्न ले लें। यहाँ से जंजैहली है 32 किलोमीटर, कर देवी माता टेम्पल है 48 किलोमीटर। जी सर, हाँ जी, हाँ वही तो जी, बहुत ऊपर वाला भाई। अभी बक्साइड पहुंचने वाले हैं हम, बक्साइड से हमें 20 किलोमीटर रह जाएगा थुनाग। व्यू देख रहे हैं अभी बहुत अच्छा लग रहा है, रमन भाई बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे और आप ये लोकेशन देख सकते हैं। सेब लगे हुए थे तो मैं जो पहले आया था यहाँ पे घूमने के लिए जब आया था मैं और यू भाई साथ में थे, तो उस टाइम यहाँ पे जो जिन्होंने ये जिनके बगीचे हैं उन्होंने सेब निकाल के लोड करना भी चालू कर दिया था और हमने पता भी करा था उनसे, एक क्रेट की डिमांड भी करी थी, पर उन्होंने बोला कि नहीं ये भाई हम पूरी गाड़ी भेज रहे हैं तो उन्होंने हमें दिए नहीं थे। आप बोल रहे हो भूख लगी है खाना, तभी तो छह यही पॉइंट है ना वहां पे? नहीं तो आग में भी है। इधर आओ, इधर आओ चाचा, इधर आओ। ये देख सकते हैं आप ऐसी सी कुछ लोकेशन है, ये है बक्साइड, तो बहुत प्यारा लग रहा है ये जो है ना भाई, ये देखने में अभी कितना प्यारा लग रहा है। आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो पूरे पहाड़ नीचे को आ गया था भाई, नीचे को देखने को पूरा डर लग रहा है। मनरेगा को रास्ता, मनरेगा पार्क यहाँ से ऊपर वाली साइड को, तो देखते हैं वापस आते टाइम हम जा पाएंगे ऊपर वाली साइड की नहीं जा पाएंगे। है तो पास में 1 किलोमीटर भर का रास्ता है, तो मनरेगा पार्क भी आपको दिखा देंगे। वैसे तो हमने एक्सप्लोर कर रखा है पहले और इन्होंने तो गलत ही भगाई हुई है, कट पे कट भाई, लीन पे लीन। इस जगह का नाम है लेगढ़ा और 33 है शिकार देवी माता का मंदिर और ये ऐसी सी लोकेशन है जो हमने आपको पहले भी दिखा रखी थी। तो अभी हमने एक्सप्लोर करनी है वो वाली पहाड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से दिख नहीं रही है वो वाली पहाड़ी पे हमने जाना है वहाँ से वो, और ये दूसरा अपना थाना सेवा वाला रोड है तो ये भी मैंने एक्सप्लोर कर रखा है, तो हमने ब्लॉग नहीं बनाया था उसका, पर इन फ्यूचर देखते हैं उसको डालेंगे हम, फिर से एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए और आपको दिखाएंगे वहाँ के नज़ारे किस तरह के हैं। ओ शिट, ये क्या हो गया? हाय बाय। तो गाइस अभी नुकसान हो चुका है, मेरे माइक अडेप्टर की पिन टूट गई है मुझसे, अभी वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा हेलमेट के अंदर, मतलब माइक नहीं कनेक्ट हो पाएगा गोप्रो के साथ। अभी देखते हैं किस तरह की वॉइस आती है, वैसे तो मैंने पहले भी ब्लॉग कर रखे हैं पर वॉइस क्वालिटी इतनी क्लियर नहीं आएगी, पर अब ब्लॉग तो बनाना ही है पर कुछ तो ट्राई करेंगे हम। आई होप आपको अच्छा लगेगा, जैसा भी बनेगा तो बताना आप कमेंट में क्या सर कैसा लगेगा आपको ब्लॉग। Boy, he's up. तो गाइस जंजैहली यहाँ से 9 किलोमीटर है और सटादार 24 किलोमीटर है यहाँ से, डाउट है ना 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 ना। तो देखो भाई ये थोड़ा ऐसा सा व्यू है, अभी थोड़ी देर रुके हैं और सामने जंजैहली दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है।
अभी हमें वहां पे जाना है उस वाली जगह पे। चेक कराओ यार वो ब्यूटी भाई, वो वाले रास्तों से निकलते हैं अभी यहाँ से। ये वाला रास्ता ना तो भाई गायों ने तो घेर रखा है पूरा रास्ता, यहीं पे रोक देते हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सटाधार और ये आप देख सकते हैं बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मंदिर है ऊपर वाली साइड, और अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं, माता टेक लेंगे फिर देख। यहाँ पे 1000 पहाड़ियों का देवता है ये, और इतनी ठंड लग रही है ना अभी यहाँ पे, तो क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है यहाँ पे, मेरे तो बहुत ठंडी लग रही है। तो गाइज अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम पहुंच चुके हैं थुनाग में, और अभी हमने रेस्ट हाउस बुक कर दिया था तो हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और थोड़ा फ्रेश हो गए हैं हम, और अभी हम जा रहे हैं थुनाग डिनर लाने के लिए। और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, वीडियो को लाइक कर देना। चलो ठीक है भाई, आज के ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, बाय बाय।